इस बार के विधानसभा चुनाव में कोविड के चलते तमाम पाबंदियां लगी हैं और इसी वजह से वर्चुअल प्रचार ज्यादा हो रहा है। गुरुवार को पीएम मोदी पहली बार खुद प्रचार के लिए निकले और 3 राज्यों यूपी, उत्तराखंड और गोवा का दौरा कर बीजेपी के लिए वोट मांगे। सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने सहारनपुर पहुंचे। सहारनपुर में सड़क के दोनों किनारों पर हजारों की संख्या में खड़े लोगों ने अपने प्रधानमंत्री का कुछ इस तरह से इस्तकबाल किया। प्रधानमंत्री ने भी उनकी एक झलक पाने को बेताब लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अब तक राज्य के मतदाताओं से वर्चुअल जन चौपाल रैलियों के माध्यम से जुड़ रहे प्रधानमंत्री पहली बार फिजिकल तौर पर मतदाताओं के बीच पहुंचे। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सूबे को दंगा मुक्त रखने वालों को वोट दें। आप लोगों ने दंगावादियों को ऐसा सबक सिखाया और आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने में योगी जी को सफलता मिली। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं। आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं। वो तो मौके की तलाश में है, मौका मिल जाए इसके इंतजार में है। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है। सहारनपुर के बाद प्रधानमंत्री का कारवां उत्तराखंड के गढ़वाल के श्रीनगर पहुंचा। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को देवभूमि और वीरभूमि बताया और कहा कि राज्य का प्रत्येक नागरिक जानता है कि मेरा देवभूमि से क्या संबंध है। उन्होंने विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से सेना और सैनिकों का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में जनरल बिपिन रावत जी के कटआउट लगाकर, उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है। कुर्सी के लिए कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते, सेना को लेकर इन लोगों का रवैया क्या रहा है। देर शाम प्रधानमंत्री अपनी तीसरी रैली के लिए गोवा पहुंचे, जहां उन्होंने गोवा की प्रमोद सावंत सरकार की जमकर तारीफ की और राज्य के लोगों से बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने की अपील की। शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, आदिवासी, गरीब, ना किसी धर्म का कोई व्यक्ति छूटता है, ना किसी समाज का। इसलिए हमारा ये 100% सेवा अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा प्रमाण है। और सामाजिक न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारा कमिटमेंट, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री इससे पहले कई जन चौपाल रैलियों की मदद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों के मतदाताओं को पहले भी संबोधित कर चुके हैं, लेकिन इस बार इस चुनाव में पहली बार प्रधानमंत्री जनता के बीच सीधे पहुंचे। सहारनपुर से ओपी यादव के साथ श्रीनगर से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।